नाजरीन, महंगाई जहां पाकिस्तान में 40% से ऊपर जा चुकी है, रियल एस्टेट में क्या खरीद लें जो आपको डॉलर या सोना खरीदने से बेहतर है? लेकिन सोना खरीदने से तो बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन जहां पर डॉलर की वैल्यू पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी कम हो रही है, इसको ये नहीं कह सकते डॉलर सस्ता हो गया दूसरे न्यूज़ चैनल की तरह, लेकिन ये कह सकते हैं कि डॉलर जहां पर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वहां पर आपको रियल एस्टेट में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं, कुछ ऐसी सरमायाकारी है जो आप अगर कर लें तो आपको डॉलर की जो 278 पे वैल्यू गई थी उसके मुताबिक प्रॉफिट मिल सकता है, और ये बेहतरीन बात है और ये बेहतरीन टाइम है। नाजरीन, सबसे पहली जो चीज़ आप अगर ख़रीद सकते हैं जिसका जो ताल्लुक है वो मुनाफे के साथ, वो है आप अगर एक कमर्शियल दुकान खरीद लें किसी अच्छी सोसाइटी में। देखें, रिटेल बिजनेस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़ोरों शोरों पे है। पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पर भी जाएं कमर्शियल एरियाज़ में आपको लोग नज़र आते हैं, यहाँ तक कि महंगाई करीबन 40% से ज़्यादा है। महंगाई 40% को तजावज़ कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना तो ग्रोसरी कम हुई है, ना ही आपको कहीं पर जो कमर्शियल शॉप्स हैं वो बंद नज़र आती हैं। तो ये काम ज़ोरों शोरों के ऊपर है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी दुकान ख़रीदते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप दुकान डालें, कह रहे हैं कि आप एक शॉप ख़रीद लें और बनी बनाई शॉप अगर ख़रीदते हैं तो ये बेहतर है ज़्यादा। अगर आप एक कमर्शियल शॉप ख़रीदते हैं, उसको रिटेल बिजनेस के तौर पे आप उसको रेंट पे देते हैं, तो आपको महाना जो है वो किराया भी ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी आप उसके रेंट का तकाजा भी कर सकते हैं और उसका रेंट भी ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा ये कि देखें, कमर्शियल में पाकिस्तान के अंदर जो रिटेल है वो सप्लाई थोड़ी सी कम हुई। सप्लाई कम होने से हुआ ये है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सरिया को देखें, उसके बाद बजरी, सीमेंट, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी कम हुई है, और कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से ये जितने भी कमर्शियल यूनिट्स हैं इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप इथार टाउन में जाएं, बैरियर टाउन कराची के अंदर जाएं, बैरियर टाउन लाहौर के अंदर जाएं, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आप जाएं, आप BHA के अंदर जाएं, आप जितनी भी ये बड़ी बड़ी वेल नाउन और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं आप इनके अंदर जाएं, तो कमर्शियल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट नहीं गिरे, उनके रेट्स ज़्यादा हुए हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। ये आज रियल प्राइस के अंदर है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो डिमांड में इजाफा होने की वजह से आपकी ये सरमायाकारी आपको नुकसान नहीं देगी। दूसरे बात जनाब, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, मिडिल क्लास को ये अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। जितना भी मिडिल क्लास तबका है वो ज़्यादातर, अगर आप कराची में देखें तो कराची में लोग अपार्टमेंट्स में रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ना कि अपना बड़ा घर बनाने की, लोग हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट एक ख़रीदते हैं तो मिडिल क्लास को अगर आप रेंट पर देते हैं तो आपका वो अपार्टमेंट जो आज आपको करीबन 70 से 90 लाख रुपये में मिल रहा है, तो पाकिस्तान के आने वाले 3 साल के अंदर वो 70 से 90 लाख रुपये में नहीं होगा, वो अपार्टमेंट करीबन 1 करोड़ तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले 3 साल के अंदर अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स आज खरीद कर उसको रेंट पर देते हैं तो आप महाना उसका किराया भी ले सकते हैं, उसको महाना आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप उसको महाना किराए को अगर कैलकुलेट करें तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं आप स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ। मिडिल क्लास रेंट पे या ऑन पे टारगेट करते हैं मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स को, तो रिटर्न इसका ज़्यादा है अपार्टमेंट का, घर की निस्बत आपको अपार्टमेंट पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है, तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में, आप अगर अपनी परचेजिंग पावर को देखें। उसके बाद तीसरी चीज़ है पोजेस प्लॉट, कब्जे वाला प्लॉट। मार्केट जितनी ज़्यादा डाउन है पाकिस्तान में, ये अपनी असल हालत में है। अब कोई भी बबल प्राइस नहीं, आप पाकिस्तान की बड़ी बड़ी या छोटी किसी भी सोसाइटी में आप जाएं तो आप अगर पोजेस प्लॉट का रेट पूछेंगे तो वो आपको जो 3 माह पहले रेट था वो आज आपको कम मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर ना होने की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप ये प्लॉट ख़रीद लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये डूबेगी नहीं। ये देखें, बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप तो कहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, रियल एस्टेट ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। देखें, हमने आपको ये कहा है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहां पर नहीं करनी और कैसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हरगिज़ मतलब नहीं है कि रियल एस्टेट में फ़ायदा ही नहीं है। देखें, रियल एस्टेट पाकिस्तान में जिस कदर फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में, डेट्स नॉट मेन कि रियल एस्टेट ने पाकिस्तान के अंदर GDP को प्रमोट नहीं किया,
हमने कहा यह है कि रियल एस्टेट के अंदर कैसे कैसे लोगों ने सरमायाकारी ट्रस्ट के साथ की और कहां पर लोगों के साथ फ्रॉड हुए और कैसी कैसी प्रॉपर्टीज आप ना खरीदे। हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर कहीं पर भी आपको कहीं पर भी प्रेफर नहीं करते कि आप प्लॉट लें, पोजेस प्लॉट लें, कब्जे वाला प्लॉट लें, रेडी टू कंस्ट्रक्शन। देखें लोग प्रेफर करते हैं रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट को कि कहीं पर ऐसा प्लॉट मिले जिसके ऊपर घर बनाना हो। तो हर बंदा यही सोचता है कि मैं कोई ऐसा प्लॉट लूँ जहाँ पर आपको सारे चार्जेस पेड मिलें, आप उसके ऊपर घर बनाएं। तो अगर आप ऐसा प्लॉट ले के रख लेते हैं 2 से 3 साल के लिए, वैसे तो पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि नॉन फाइलर को 7% ठोक दिया है और फाइलर को 2% ठोक के पाकिस्तान में खाली प्लॉट के ऊपर भी टैक्सेस लग रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्सेस के बावजूद एक आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं पाकिस्तान में। कीमतें इतनी ज़्यादा डी वैल्यू नहीं होती पोजेशन प्लॉट की, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट को पोजेशन वाले प्लॉट के साथ, तो आने वाले वक्तों में आपको कीमतें सबसे ज़्यादा जो नज़र आएंगी वो पोजेशन वाले प्लॉट की आएंगी, ना कि इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट के ऊपर। इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट के ऊपर आप मुतमइन नहीं होते, आपको ट्रस्ट नहीं होता कि आने वाले वक्तों में ये आपको प्लॉट मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर आप पोजेशन वाला प्लॉट लेते हैं उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको आने वाले वक्तों में फ़ायदा भी देगा। अभी फुल चार्ज आप पेड कर दें प्लॉट को, आपको मिल जाएगा पोजेशन वाला प्लॉट। अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, हम कोई भी सोसाइटी आपको प्रेफर नहीं कर देगा आप यहाँ पर प्लॉट लें, आप हमारे थ्रू प्लॉट लें। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने का मकसद होता है कि आपकी सरमायाकारी में आपकी जो रहनुमाई है वो हो सके। तो जनाब उसके बाद एक आप अच्छा सा घर ले लें। नंबर 4 पे जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो है वेल फर्निश्ड होम, बना बनाया नया घर। देखें कोई पुराना घर अगर आप खरीदते हैं या कोई पुराना घर अगर आप खरीदते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको आने वाले वक्तों में मुनाफा भी थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि देखें कोई जब आप नया घर खरीदेंगे उससे एक तो ये कि आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, उसकी डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट होती है हर साल के अंदर वो कम होगी। तो नया घर खरीदने का ये फ़ायदा होगा, एक तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम होगी, डिमांड में इजाफा होने से उसकी वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा होगी, FBR वैल्यू में इजाफा होगा और वो आपका जो घर है आने वाले वक्तों में आपको मुनाफा भी देके जाएगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, यूनिट्स कम बनेंगे पाकिस्तान में आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से लोग कम बनाएंगे घर और पाकिस्तान में ये जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे मुल्कों के मुताबिक, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी बढ़ रही है। तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो विजिटर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा जो कल को आपका घर लेने आएगा। आप एक साल के बाद अगर घर बेचने के लिए लगाते हैं, कोई इश्तिहार लगाते हैं, तो अगर आपका घर नया होगा और नया घर आपने वेल मेंटेन्ड किया होगा तो कोई भी बंदा आपका घर देखने आएगा तो उसके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा जाएगा और उस इम्प्रेशन से आपको मुनाफा होगा और आपके पैसे की वैल्यू महफूज रहेगी। बढ़ते इन्फ्लेशन में इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को पेश आ रहा है वो ये है कि लोगों के पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर यह होगा कि आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी, आपका पैसा सेव रहेगा, महाना रेंट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। नया घर होगा तो आप कह सकते हैं कि आपका घर नया है और आपको रेंट भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जनाब कमर्शियल आउटलेट, दुनिया के दूसरे मुल्कों में आउटलेट जहां पर इन्फ्लेशन में डिमांड कम होती है पाकिस्तान में ज़्यादा है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर महंगाई से सिर्फ गरीब तरीन जो तबका है वो मुतासिर हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप देखें लोग टिम हॉर्टन्स में जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। अब जिस बंदे ने टिम हॉर्टन्स खरीदी है पाकिस्तान के अंदर, वो जिस लोकेशन के ऊपर वाक़ जो लैंड है वो कमर्शियल आउटलेट्स में शुमार होती है, तो उसकी डिमांड में कमी नहीं हुई, उसकी वैल्यू में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो कमर्शियल आउटलेट का फ़ायदा ये होता है कि लोग वहाँ पर कंज्यूम करने आते हैं। आप कोई भी ब्रांड होता है पाकिस्तान के अंदर, आप उसको अगर अपनी जो आपने शॉप ली होती है कमर्शियल आउटलेट का एक यूनिट ख़रीदा होता है, अगर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट से आपको महाना जो रेंटल यील्ड मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर आप फूड आउटलेट की कोई जगह खरीदते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सप्लाई कम होने से डिमांड में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये उल्ट हो रहा है क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जहाँ महंगाई ज़्यादा होती है लोग अपनी परचेजिंग पावर ज़्यादा करने के लिए चीज़ें कम खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो चीज़ की सप्लाई कम हो रही है लोग उसको ज़्यादा खरीदना शुरू करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान में डॉलर है। डॉलर जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कम हुआ लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा डाउन होगी उतना ज़्यादा
इसका जो है वो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा, और जितने भी लोग कमर्शियल आउटलेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, रेंट ज़्यादा होता है, यही वजह है कि लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा लेंगे, और स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे ही फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन में खून की तरह काम करती है आपके पैसे की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए और इसकी वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जनाब कमर्शियल प्लॉट, पूरे पाकिस्तान में कीमतें आप देखें तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कम हुई, किसी भी मार्केट में जाएं आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गिरती नज़र आएगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी जहां पर भी है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में कमी ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर परचेजिंग पावर कम होती है सरमायाकारों की, तो जितने बड़े बड़े सरमायाकार होते हैं वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कमर्शियल का जो सीधा ताल्लुक होता है, इसका ताल्लुक इंसानी ज़रूरियात से जुड़ा होता है, तो यही वजह है कि कमर्शियल प्लॉट्स हमेशा बढ़ते जाते हैं। अगर आप आज 3 करोड़ कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्तों में ये 6 करोड़ भी बन सकता है, यानी इतना बड़ा मुनाफा, इट कैन बी डबल इन नेक्स्ट टाइम्स, तो ये आने वाले वक्तों में डबल हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन ना होने से डिमांड बढ़ेगी, कम यूनिट्स होंगे तो आपके कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो नाज़रीन आप ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें जो आपको फ़ायदा दे। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।